जी स्टॉम को फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त हैदर वोम वाइट बोल फोर से। दोस्तों एक शॉर्ट क्लिप लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ पपीज़ की फीडिंग के हवाले से। पपी जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे, ठीक है जी, वैसे वैसे आपने इनकी फीडिंग करना है बंदोबस्त, ठीक है। मतलब है ना, फीडिंग आपने अपनी नज़र के सामने करवानी है। पहले जो 7-8 दिन होते हैं वो तो बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पपीज़ की फीडिंग पर नज़र रखनी पड़ती है, मगर जैसे जैसे थोड़े से बड़े होते जाते हैं तो वैसे वैसे ही इनको ज़्यादा फीड की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर आप फिर मान से भागना शुरू कर दीजिए बच्चों से, क्योंकि बच्चे तंग करते हैं तो बार बार ले करते हैं, तो माँ तंग होकर बाहर निकलना शुरू कर देती है, बच्चों के ऊपर पाँव रखना शुरू कर देती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जब भी आएँ और ख़ुद अपनी नज़र के सामने बच्चों को फीड करवाएँ, 2-2, 3-3, 4-4 करके, तो जो बच्चा फीड काट चुकेगा आपको नज़र आएगा कि वो बच्चे सो जाएंगे निपल के साथ मुँह लगा के। तो उसको साइड पे करके नया बच्चा आप अपने सामने रख लें। इंशाल्लाह अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आपका कोई बच्चा भी एक्सपायर नहीं होगा और ना ही कोई बच्चा वीक होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।